तो आपको नहीं मालूम कि जो कपल आपको बड़ा ही लविंग नजर आ रहा है, हमेशा साथ नजर आ रहा है, हमेशा स्माइलिंग करता नजर आ रहा है, उनके अपने दुख और दर्द क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदु व नसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, वेलकम टू द सीरीज साइलेंट डिस्ट्रॉयर्स ऑफ मैरिज। द सेकंड साइलेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ मैरिज इज कंपैरिजंस। When you compare your wife or husband to some other's wife or husband, then you destroy your marriage. देखिए, हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है, कोई भी इंसान बराबर नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो आपको नहीं मालूम कि जो कपल आपको बड़ा ही लविंग नजर आ रहा है, हमेशा साथ नजर आ रहा है, हमेशा स्माइलिंग करता नजर आ रहा है, उनके अपने दुख और दर्द क्या हैं। मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज को जानता हूं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएं। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं जहां पे जो कपल है आज उनकी एज 70+ है, आज उनके अपने बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, यहाँ तक कि उनके पोतों नवासों के भी बच्चे हैं। और आप जब उस फैमिली को देखेंगे तो आप कहेंगे माशाल्लाह कितनी अच्छी फैमिली है, ये लोग अपनी फैमिली के साथ उठते और बैठते हैं, अपने दादा के साथ, नाना के साथ, मामू के साथ, सबके साथ। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो जो कपल है जिनकी एज 70+ है, जो इन बच्चों के नाना या पर नाना या पर दादा हैं, वो पिछले 25 साल से उन्होंने एक दूसरे से कभी आपस में बात नहीं की। वो दोनों एक घर में तो रहते हैं लेकिन एक कमरे में नहीं रहते, एक दूसरे की शिकल देखने को गवारा नहीं, एक दूसरे से बात करने को गवारा नहीं है, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो एक साथ नजर आते हैं। आपको नहीं मालूम कि किसके साथ क्या हालात मामलात हैं। जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपका ये रिश्ता बनाया मैरिज का, वो एक यूनिक इंसान है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ खसूसियात दी हैं, कुछ वीकनेसेस भी दी हैं, और यही मामला आपके साथ भी है। आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ अपने मैरिज रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और कभी कंपैरिजन ना करें। कभी उसके सामने बात ना बोलें कि वो देखो कितना अच्छा कपल है, वो देखो कितनी अच्छी वाइफ है, वो देखो कितना अच्छा हस्बैंड है, कभी भी नहीं। अगर आप अपनी शादी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ट्राई दिस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डोंट ट्राई दिस साइलेंट डिस्ट्रॉय मैरिज, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अजान का एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स इट्स ऑल अबाउट लव बहुत जल्द आपके शहर में आ रहा है, इस कोर्स को अटेंड करें, क्योंकि इस कोर्स में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह आपसे इस कोर्स में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।